हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सनातन धर्म प्रेमी युवाओं ने भगवत युवा रैली निकाली। गांधी मैदान में आयोजित भक्ति रस महोत्सव के तहत बड़ा राम द्वारा चांद पोल के महंत राम स्नेही संत रामप्रसाद महाराज के आह्वान पर मंगलवार को शहर की मुख्य सड़कों पर भगवत युवा रैली निकाली गई। इस वाहन रैली का अनेक स्थानों पर कई संस्था संगठन द्वारा स्वागत किया गया। राम स्नेही संत रामप्रसाद महाराज ने बताया कि गांधी मैदान गोकुल धाम में चल रहे भक्ति रस महोत्सव के तहत आगामी 30 अगस्त से भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा जो 6 सितंबर तक चलेगी। इस भगवत कथा के उपलक्ष में बड़ा राम द्वारा से मंगलवार को सुबह भगवत युवा वाहन रैली निकाली गई। रैली को महंत रामप्रसाद महाराज और वृंदावन के विद्वान संतों के सानिध्य में रवाना किया गया। रैली में कई संत शामिल थे। रैली में सभी कार्यकर्ता शुभवेश यानी सफेद कुर्ता पैजामा और सफेद शर्ट में सम्मिलित हुए। रैली में सभी युवाओं को केसरिया साफा उपलब्ध करवाया गया। रैली सुरसागर बड़ा राम द्वारा से रवाना होकर किला घाटी नागौरी गेट महामंदिर चौराहा पावटा नई सड़क चौराहा जालौरी गेट पांचवी और बारहवीं रोड जलजोग चौराहा सरदारपुरा सी रोड होते हुए गोकुल धाम गांधी मैदान पहुंचकर विसर्जित हुई। रैली का मार्ग में कई स्थानों पर स्वागत किया गया। जोधपुर में गोकुल धाम में गांधी मैदान में आयोजित भक्ति रस महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज युवा श्रद्धालु भक्तों के द्वारा एक वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में युवाओं को भी जोड़ने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। 30 अगस्त से गोकुल धाम गांधी मैदान में दिव्य भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और उस आयोजन के बाद राम कथा का दिव्य आयोजन होगा। नई पीढ़ी को भी एक संदेश और नई पीढ़ी में भी एक जागृति लाने के लिए आज युवा रैली का आयोजन है। सुरसागर बड़ा राम द्वारा के संस्थापक श्री परशुराम जी महाराज के प्रागट्य के 250 वर्ष हुए हैं। उस उपलक्ष्य में ये एक वर्षीय कार्यक्रम संत कृपा महोत्सव वर्ष के अंतर्गत ये भक्ति रस का दिव्य आयोजन गोकुल धाम में आयोजित है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।